वक्त हम जा रहे हैं मोटा पीर दरगाह की तरफ। एक्चुअली दरगाह का रास्ता जो है पीछे आ गया, तो हमें वहाँ से टर्न लेना होगा। सो फाइनली आप देख सकते हैं मेरे पीछे मोटा पीर की दरगाह। सो है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू एपिसोड। पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। भुज आने का जो रास्ता है काफ़ी अमेजिंग था। सो इस वक्त हम जा रहे हैं मोटा पीर दरगाह की तरफ। हमें नहीं पता कि रास्ता किधर से जा रहा है किधर से नहीं जा रहा, बस निकल पड़े हैं। कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट रोड है उस वहाँ तक पहुँचें, तो वहाँ से क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम वहाँ से जो रास्ता है वो डायरेक्ट मोटा पीर जाता है। तो चलो कोई नहीं, हम ढूंढ लेंगे किसी भी तरीके से रास्ते को। तो इस वक्त हम भुज में हैं। यहाँ से हमें इस साइड चले जाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है कि मैं इस साइड आया हूँ। ये जो रास्ता मैं डीमार्ट की तरफ जा रहा था तब मैं आया था, ऑटो से हम गए थे जब हम भाई की शादी के लिए शॉपिंग वगैरह करने के लिए आए थे, तब डीमार्ट में भी राउंड लगाया था। डीमार्ट में ब्लॉग पे बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आई बटन भी आ रहा होगा, या फिर आप मेरे चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भुज सीरीज़ की सारे वीडियोस पड़े हैं, तो आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। ये भुज की एक साइड है, और जब हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए जब जाएंगे तब हम आप लोगों को भुज की जो मेन स्ट्रीट रहती है वहाँ का व्यू दिखाएंगे ज़रूर। एक राउंड वहाँ से भी लगा के आए हैं, उतना कुछ है नहीं खास। पुलिस वगैरह आरटीओ ऑफिसर्स खड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हेलमेट वगैरह तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। ये बंदा किस तरह जा रहा था, ना इधर देखा ना उधर देखा, एकदम से निकल गया। हालांकि मैंने हॉर्न भी दिया तब भी नहीं देख रहा। फिर जब टक्कर हो जाती है तो कहते हैं मार दी टक्कर तूने। अजीब बंदे हैं यार। दरगाह पे जाने के बाद देखेंगे फिर हमारा जो काम है वो करने जाएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहता है तो मैं सोच रहा हूँ कि प्राग में ले जाऊँ, उसको देखने का बहुत मन है कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि इतनी उम्मीद नहीं है कि उसके अंदर कुछ होगा इतना ख़ास, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो ही जाएंगे, वरना फिर हम वापसी घर निकल जाएंगे। अमृतसर तालाब के बीच में जो लेक लगी हुई है, सॉरी जो गार्डन बना हुआ है, उसके अंदर मैं जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, तो शायद वो किसी रीज़न से बंद होगा। सो मे भी हम आ चुके हैं हाईवे के ऊपर, एयरपोर्ट रोड, लेकिन हमें उस साइड नहीं जाना है, हम आधे रास्ते से ही टर्न हो जाएंगे। यहाँ पर सामने ही डीमार्ट मॉल है। देखिए भुज में घूमने के लिए तो बहुत है, लेकिन आपको
हर जगह को अच्छे से देखना हो, अच्छे से विज़िट करना हो, तो आपको कम से कम 2 दिन की ज़रूरत तो रहेगी। ये रहा सामने मॉल, ये सारे मॉल हैं वगैरह, बड़े बड़े मॉल। मैं भी हमें सामने से दरगाह दिख गई है, वो वहाँ पर पहाड़ के ऊपर दरगाह है, लेकिन उसका रास्ता घूम के जाता है, तो वहाँ तक हमें जाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। ये रोड चेक करें भाई, कितनी बड़ी और खूबसूरत रोड है। एक साइड जो है दरख्त लगे हुए हैं, दूसरी साइड एकदम खुली है, और कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पर है सामने दरगाह, तो हमें ऐसे घूम के जाना पड़ रहा है। और रोड जो है काफ़ी कमाल की है भाई, इस साइड में ऐसी रोड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन क्या बात है, सुपर रोड यार। ऐसी रोड तो उस साइड होनी चाहिए थी जिस साइड से हम आए थे, मांडवी और भूज के हाईवे की तरफ, उस साइड ऐसी रोड होनी चाहिए थी भाई। एक्चुअली दरगाह का रास्ता जो है पीछे आ गया, तो हमें वहाँ से टर्न लेना होगा। मेरे ख्याल से मैं एक बार गया हूँ, वो भी काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी सालों पहले, याद भी नहीं है ठीक से मुझे कि कहाँ से कैसा रास्ता था। यहाँ से होंगे अब हम टर्न, भूज इतना एक्टिव है अंदर सिटी में, लेकिन यहाँ देखें भाई कितनी शांति है। दिन के टाइम तो बहुत शोर होता है भूज में, बहुत ज़्यादा एक्टिव सिटी है। मे भी कच्छ की सबसे बड़ी सिटी भूज है। और अब हमें यहाँ से मुड़ जाना होगा, देखे अब आसपास सारे जंगली पेड़ आ गए हैं। नहीं बिल्कुल सही आए, बिल्कुल सही आ गए, पहले ऐसा लगा कहीं गलत आ गए रोड पे, लेकिन सही आए हैं। यहाँ से जाते हैं हम, और ये रही सामने दरगाह। बाइक को कहीं सामने पार्क कर देते हैं, इधर ही लगा देते हैं। सो गाइस, ये रही दरगाह, तो चढ़ते हैं ऊपर और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ऊपर से पूरा भुज का व्यू जो है दिखेगा, इधर से तो ऊपर से पूरा भुज दिख रहा है। ये चक्कर, और इधर छोटा सा फाउंटेन बना हुआ है, काफी ज्यादा रेनोवेट किया गया है। ये सब पहले नहीं था, ये सब बाद में बनाए गए। और ये चेक करें, तो
फाइनली आप देख सकते हैं मेरे पीछे मोटा पी एक का, जो कि एक आस्थाना है कौस पाक का। तो चलिए आपको अंदर से भी दिखाता हूँ और बाहर से भी पूरा व्यू दिखाता हूँ। इतनी पुरानी और इतनी बढ़िया जगह बनाई हुई है ना, देखते हैं आप बाहर से इसको देखें तो कितने सालों पुराना जो इसका स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। और जो कलाकारी दिखाई गई है बनाने में वो काफ़ी काबिल तारीफ। तो चारों तरफ से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ व्यू और फिर अंदर से दिखाता हूँ। ये जो है फ्रंट साइड है, अब इसकी दूसरी साइड चलते हैं और फिर चार ओर से दिखाता हूँ और देखें भाई कितनी ज़बरदस्त कलाकारी की गई है। ये मैं अब आ चुका हूँ घर का की बैक साइड पर। चारों साइड सिमिलर ही रखा गया है गेट और जो एंट्रेंस है वो सब एक जैसी ही लग रही है। ऐसा लगता है कि ये वाला आगे कब आ गए, ये वाला आगे कब आ गए। चारों तरफ से एकदम हूबहू सेम टू सेम रखा गया है इसकी एंट्रेंस को। ये जो है पीछे का साइड है और ये साइड का भाग है। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है इसकी वजह से पूरी कैप्चर नहीं हो पा रही कैमरे में। तो चले अब आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ दरगाह को। ये जो दरगाह का पेंट है वो पहले इस तरह हुआ करता था, लेकिन अब नया पेंट लगा दिया गया है। और यहाँ से एंट्रेंस जो ये देख सकते हैं आप, ये देखें पूरी दरगाह की पेंटिंग बनाई गई है यहाँ पर। और ऊपर गुंबद के अंदर का देखें तो एक राउंड शेप में अंदर से बनाया गया है, जो कि बाहर का एकदम डिफरेंट शेप दिया गया है। लेकिन जो इसकी बनाने की कलाकारी है वो काफ़ी कमाल की है। ये जो दरगाह है भाई किले के ऊपर एक पहाड़ के ऊपर है, तो यहाँ ऊपर आने में थोड़ी सांस फूल गई थी। और अब ठंड कम हो चुकी है, लेकिन जैकेट भी मैंने पहन रखी है, इसकी वजह से भी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर ये जो है पहाड़ का हिस्सा दिख रहा है, तो थोड़ा इस साइड भी चलता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ से पूरा भुज दिख रहा है, वो सामने है भुजिया पहाड़। ये जो है ये पहाड़ का हिस्सा है, जो कि इसको काटा नहीं गया है, ऐसे ही छोड़ दिया गया है। यहाँ से ये व्यू चेक करें भाई, जैसा आगे से भी आ रहा था वैसा ही हूबहू सेम टू सेम साइड से भी आ रहा है। और अगर पीछे वहाँ पर जगह होती ना, वहाँ से भी वही व्यू आता, लेकिन उस साइड और इसकी बैक साइड जगह नहीं है खड़े होने की। और सामने जो है भुज दिख रहा है, पूरा का पूरा भुज।
और इस साइड भी भुज की साइड है, देखें इस साइड तो ये जंगली झाड़ियाँ आ चुकी हैं। ये हाईवे लेके हम आए थे इस तरह से, जैसे घूमते हुए आए। ये एकदम बैक साइड था, सुबह लेकर इस तरह से सलाम दुआ कर ली और अब निकल रहे हैं अपने इस काम के लिए आए उस काम के लिए। यहाँ से अब निकलते हैं। चलिए भाई, दरगाह के ऊपर सलाम कर लिया। आसिफ भाई भी काफ़ी टाइम से आना चाहते थे, वो भी फाइनली आ गए। अब चलते हैं हम जिस काम के लिए आए थे उस काम की तरफ और फिर घूमेंगे। टाइम तो होगा, देखते हैं वहाँ पर कितना टाइम लगता है, कैसी प्रोसेस रहती है, उसी हिसाब से हम करेंगे अपना काम। तो चलते हैं भाई भुज। भुज तो है लेकिन भुज सिटी के अंदर चलते हैं। और भुज का जो मैं आपने मुझे मैंने बोला था आपको कि राउंड लगाऊंगा, तो वो भी ज़रूर मैं लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा काम है ज़रूरी वो उसको निपटा देते हैं। मेबी हम यहाँ से निकल जाएंगे इस साइड।